हेलो हेलो हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये दो ही लोग यस सर। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सी का इम्प्लीमेंटेशन स्टैक के साथ बताया था, जिसमें हम लोगों ने एक ही ऑपरेशन देखा था जिसे हम लोग पुश के नाम से जानते हैं। आज मैं जो है उसी ऑपरेशन को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैं ऑपरेशन उठा रहा हूँ पीक, अर्थात डिस्प्ले। क्योंकि जब तक मैं इंसर्ट तो कर रहा था, इंसर्ट हुआ भी था, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सर इंसर्ट किया हुआ भी या नहीं, हमें कैसा पता चलेगा? तो उसके लिए आइए उसी प्रोग्राम पे, जो प्रोग्राम हम लोग देख रहे थे उसी प्रोग्राम में मैं चेंजेस कुछ करूंगा, जिससे हमें पता चल सके कि आखिरकार कैसे हम उसको मैनेज कर पाएंगे। तो हम एक ऑपरेशन, हम लोगों ने पिछली क्लास में पुश ऑपरेशन देखा था, तो देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, उसको देखिएगा और बताइएगा आपकी स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, तो यही प्रोग्राम था लास्ट क्लास में, सिर्फ इतना ही था, पुश ऑपरेशन बस हम लोगों ने देखा था। तो पुश ऑपरेशन में चूंकि स्टैक की साइज हम प्री डिफाइंड कर चुके हैं 5, तो इसमें 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, अब आज हम लोग इसी प्रोग्राम में एक नया ऑपरेशन देखना चाहते हैं, जिसे मैं पीक के नाम से जानता हूँ, पीक अर्थात डिस्प्ले। तो देखिए हमें क्या करना होता है, थोड़े से चेंजेस करने होते हैं। इस प्रोग्राम में तो किसी को कोई डाउट नहीं था ना, इसमें तो किसी को डाउट नहीं था, क्योंकि इसको ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था आपकी, किसी को कोई डाउट तो नहीं था। सर प्रोग्राम सर रन नहीं हो रहा था देव सी प्लस प्लस में रन नहीं हो रहा था तो जी। क्या एरर क्या बता रहा था, स्क्रीन शेयर करेंगे क्या? सर कैसे सर स्क्रीन शेयर करते हैं? जी, आपने डॉट सी एक्सटेंशन से सेव किया है? जी हाँ, आप इस मोबाइल से कनेक्ट है कि लैपटॉप से कनेक्ट है? लैपटॉप से कनेक्ट है लैपटॉप से कनेक्ट है, तो प्रोग्राम आपका लैपटॉप में पड़ा होगा, जी पड़ा है। जी तो एक काम करिए आप, जाइए यहाँ पर शेयर स्क्रीन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा ना आपको, जब आप ओपन करते होंगे। दिख रहा है शेयर स्क्रीन का ऑप्शन एक तो? बोल कौन रहा है ये बताओ पहले। का रोल नंबर 40। रोल नंबर 40। हाँ तो शेयर करो स्क्रीन अपनी। यस सर करता हूँ।
सर हो गई। मेरे पास तो नहीं है ये भी आपकी स्क्रीन। सर आपने ना डिसबेल किया हुआ है पार्ट स्क्रीन शेयर करने के लिए। अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन है, मैंने ऑन कर रखा है। हमारे में आ रहा है कि होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। नहीं, यहां से मैं अब हो गई परमिशन, सर। अब हो गई। हाँ हाँ करो। इस पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड, आईफोन, आईपैड। हाँ तो लैपटॉप वाली करो ना, जिस मोड पे करना उस मोड पे कर दो, कर दो। हाँ ठीक है, प्रोग्राम खोलो अपना। ये सब ओपन करके रखा करो पहले से भाई। ये है कुछ ऑपरेशन यहाँ पर ये। हाँ इसको राइट रन करो पहले, ले जाके उसी में। नोटपैड में नोटपैड हम उसी में खोल दिया, डेव प्लस सीसी में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो करो। एक बार इसको रन तो करो प्रोग्राम को। हमारे में खुला हुआ ये दिखा रहा है, अरे ठीक नहीं था डेव, आपके। ये डेव सी प्लस प्लस ओपन करो ना। जी, कर लिए ठीक है, जी। तो ये कोड है तुम्हारा। देखो सबसे पहली गलती तो तुमने ये किया है, जो ये तीसरे नंबर में लिखा ना, हैश डिफाइन स्टैक साइज, लिखे हो ना, तो स्टैक साइज जी के बाद 5 है स्पेस करके, ठीक है। और स्टैक और साइज के बीच में अंडर स्कोर करो यहां पर, ठीक। और जी स्टैक साइज को कैपिटल लेटर में करो ये। ये पूरा हाँ स्टैक साइज को पूरा कैपिटल लेटर में करो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। हो गया। अब सुनो जी। इसको काम, अब देखो, जानते हो तुम्हारे साथ क्या समस्या है। जी तुमने प्रोग्राम को सही तरीके, मैंने जो प्रोग्राम भेजा था उसको नहीं देखे हो क्या तुम। सर, जब आप करवा रहे थे सर, तो मैं उसी टाइम, जब आपने बता रहे थे तो मैं उसी टाइम इसको लिखता भी जा रहा था। अरे तो भाई यहाँ पे मेरी मैंने मेरी अपने थोड़ा चेंज कर दिया था बस, नहीं, अरे वो ठीक कुछ है। हो रहा मेरी नहीं हो मेरी रहा। मेरी मेरी बात सुनो, देखो समझो मेरी बात जी को। बड़ी अच्छी बात है, जब मैं बताता हूँ उस समय लिखना, तो आप कोशिश किया करो, जब मैं बताता हूं ना तो सुनने की कोशिश किया करें, इसलिए कि फिर इसी वीडियो को जो हम पढ़ रहे हैं इसको बाद में मैं शेयर कर देता हूं आपके उसमें यूट्यूब में, तो आप बाद में इसको देख लिया करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम जो चीजें यहां कर रहे हैं वो चीजें अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर होता है। और फिर दूसरी बात, मैंने प्रोग्राम आपको शेयर किया, आप मैंने मैं जरूरी नहीं समझता कि आप मेरा प्रोग्राम यूज करो। आप वहां पे जो भी चेंजेस करना चाहते हो आप अपने स्तर से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपकी कई सारी गलतियां हैं फिलहाल अभी, ठीक। तो अगर मैं इनको पूरे को दूर करने बैठूंगा तो ये पूरी क्लास का टाइम चला जाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक। तो ओके मेरे कर अभी मुझे अभी क्लास करने दीजिए। मैंने जो प्रोग्राम भेजा आप उसको देखिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप मुझसे वो कर लिया करिए कन्वर्सेशन, ठीक है। सुन रहे हो। यस सर। हाँ तो अभी अभी मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं आपकी, ठीक। तो इन गलतियों को आप मेरे उससे देख के सुधारिएगा, और इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बताइएगा, ठीक। ओके हाँ स्क्रीन शेयर स्क्रीन कैंसिल करो तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ।
मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस हाँ, तो देखिए मैंने क्या किया था यहां पर, जैसे हैश डिफाइंड स्टैक साइज 5, ये एक प्रॉब्लम थी तुम्हारे प्रोग्राम में विजय। इसके बाद ये यस तुमने स्टैक का फ्रेम बनाया नहीं, इंट एस स्टैक साइज हमें वो पास करना पड़ता है, और टॉप की वैल्यू इनिशियली -1 देना पड़ता है। फिर ये मैं पुश करने का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहा हूँ पॉप करने का, ठीक है, सॉरी पिक करने का, डिस्प्ले करने का, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वाइड, सॉरी वाइड पिक, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर जब हम किसी भी प्रोग्राम के साथ इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहली बात ये रहती है कि हम इसके जितने भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे इसमें कुछ है नहीं है तो मैं डिस्प्ले कैसे कर पाऊंगा। तो चूंकि मुझे एक लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो इंट आई, मैंने आई नाम का एक वेरिएबल लिया। अब मैं चेक कर पा रहा हूं कि इफ, यदि, कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टैक एम्प्टी है, टॉप इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये लीजिए। और ये इसको ही बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरे को बाद में फिर ये टेंशन न रहे कि भी मेरे को ये बंद करने का रह गया, ठीक है। अब यदि टॉप की वैल्यू मेरे -1 है, तो मेरे को एक मैसेज वो दे देगा। क्या मैसेज देगा, प्रिंट एफ स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि अगर मेरे टॉप की वैल्यू -1 होती है तो उस पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये सेमी कॉलन से इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब ये यहां पर क्लोज हो गया, तो अब इसके मैं इल्स पार्ट पर जाता हूं। तो इल्स पार्ट में लिखता नहीं मैं, सीधे सीधे इल्स पार्ट ही है, प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में जाता हूं। प्रिंट एफ और एक मैसेज कि स्टैक में एलिमेंट्स कितने हैं, स्लैश एन में लगा दे रहा हूं यहां पर। स्लैश एन लगाना इसलिए आवश्यक होता है ताकि जब भी प्रोग्राम मेरा रन हो तो थोड़ा सा डाउटफुल ना रहे। तो एली मेंट्स ऑफ द स्टैक, मेरे स्टैक में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन से मैंने टर्मिनेट किया। अब मैं चूंकि एक वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूं, और वो वैल्यू क्या होगी, मैं चाहता हूं कि जब भी वैल्यू प्रिंट हो तो टॉप लिख के आए, तो मेरे को एक मैसेज बनाना पड़ेगा, प्रिंट एफ टॉप, क्योंकि स्टैक का एलिमेंट्स टॉप पे होता है, ये टॉप करके मैं मैसेज वो बना दिया। अब मुझे लूप चलाना है, क्योंकि जब भी मैं उससे वैल्यू अरे से एक्सेस करता हूं तो मुझे लूप, तो फॉर लूप चलाने के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है पहले से, आई इक्वल्स टू टॉप, क्योंकि टॉप मेरे पास इनिशियल वैल्यू होगी, तो आई इक्वल्स टू टॉप, आई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। कब तक, आई की वैल्यू जब तक 0 ना आए तब तक, क्योंकि -1 में कोई चांस ही नहीं बनता है। एंड देन आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू को क्या करता जाए, वो डिक्रीमेंट करता जाए। तो
जब डिक्रीमेंट करता जाएगा तो क्या होने वाला है, ये इसको बंद किया मैंने, ये कौन क्या कर रहा है? हेलो, ये कौन कर रहा है? प्रिंट एफ कस्टू परसेंटाइल डी स्लैश एन। और क्योंकि मैंने यहां पर एस नाम से वो बनाया हुआ है तो यहां पर एस मैंने दिया। अरे कौन कर रहा है यार, तो हम यहां पर एस और आई को प्रिंट करा देंगे, ये एस आई आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, एस आई को प्रिंट कराने के बाद ये हमारा बंद हो गया और ये हम ऑलरेडी पहले से बंद कर रखे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक पीक का वो हो गया फंक्शन इतना सा। अब हमें यहां पे एक ऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी पुश बस था, तो पुश की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन ये लीजिए मैं बढ़ाए दे रहा हूं यहीं पर तुरंत, कंट्रोल बी, और एन वन की जगह मैं क्या कर दूंगा एन टू, भाई एन वन टू, और ये हो जाएगा अब ऑटोमेटिकली थ्री। ठीक है, अब पुश टू स्टैक की बजाय क्या हो जाएगा, पीक, पीक आइटम फ्रॉम स्टैक, पीक आइटम, सॉरी फ्रॉम स्टैक। ओके, और ये चॉइस अब एक चेंजेस हमें, क्योंकि अब केस टू बना दिया हमने तो एक ठो केस के लिए और हमको चाहिए, तो इसी को मैं कॉपी किए ले रहा हूं, कंट्रोल सी, ये लीजिए ब्रेक के बाद एक और यहां पर कर दिया मैंने, इसको वैल्यू दे दिया टू, और यहां पर फंक्शन क्या कॉल कर लिया मैंने, पीक, फंक्शन कॉल कर लिया हमने पीक। पीक फंक्शन को मैंने यहां पर कॉल कर लिया और इसके बाद ब्रेक, ये लीजिए। ठीक है, तो ये इतना चेंजेस जो थे वो मैंने कर दिए हैं, इतने चेंजेस के ऊपर करने हैं, और इसके अलावा सॉरी ये थोड़ा सा केस थ्री पे हो गया है, एक्चुअल में ये केस टू पे है और ये केस थ्री का यहां है। ठीक है, तो ये आपके इतने चेंजेस थे, ये चेंजेस मैंने कर दिया, इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, सेव एच पीक, क्योंकि पुश तो ऑलरेडी इसका नाम ही था पहले से, तो पीक डॉट सी मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूं। ठीक है, ये स्क्रीन आपको स्क्रीन दिख रही है, कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी, हेलो हेलो, उसकी दिख रही है सर, वो सी की स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ ठीक है, तो देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए इस प्रोग्राम को सीधे रन करना, एक इरर है, देखते इरर कहां पे है, ओह सॉरी
ये देखिए, अब यहां पर सबसे पहले मैं पिक करता हूं, टू प्रेस किया, स्टैक इज एम्प्टी, क्योंकि तुमने अभी स्टैक में कुछ नहीं रखा है। तो अब आपसे पूछ रहा, डू यू कंटिन्यू? यस कंटिन्यू। तो आपने क्या किया कि अब एक आइटम में इंसर्ट करता हूं, वन एलिमेंट्स 10, यस। अब मैं इसको डिस्प्ले करके देखता हूं, टू करता हूं, क्या दिख रहा है आपको? टॉप की पोजीशन में कौन है इस समय, क्योंकि एक ही एलिमेंट गया है, 10, ठीक है। यस, एक और इंसर्ट करता हूं, ट्वेंटी। यस, अब मैं फिर से डिस्प्ले करके देखता हूं, ये लीजिए। अब क्योंकि पहले 10 गया है तो 10 नीचे चला जा, अभी टॉप की पोजीशन में 20 होगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। यस, अब फिर मैं, मेरी मैक्सिमम साइज 5 है, तो मैं तीन एलिमेंट्स और इसके साथ इंसर्ट करता हूं, तो 1 30, यस 1 40, यस 1 50, यस। पांच एलिमेंट्स हो गए। अब देखिए छठवां एलिमेंट इंटर कर रहा हूं इसमें, चॉइस 60। कह रहा है स्टैक ओवरफ्लो कैन नॉट बी एडेड। अब मैं डिस्प्ले करके देखता हूं, मेरे को पांच आइटम ये दिखाए, गिन लीजिए। सबसे पहले आपने 10 इंसर्ट किया था, दूसरी बार में 20, तीसरी बार में 30, चौथी बार में 40, और पांचवी और आखिरी बार में आपने 50। तो टॉप की पोजीशन में इस समय कौन है? 50। जो भी एलिमेंट जाए पहले वो होगा हमारा 50, ठीक है। अब इसको एंड, हम बाहर आ रहे हैं, अब बताइए किसी कोई डाउट है? किसी को भी? किसी को भी? नो सर, नहीं है। नहीं सर। हेलो, हाँ सर, इसका ना टेक्स्ट प्रोग्राम भेज दीजिएगा। इसका टेक्स्ट प्रोग्राम भेज दीजिएगा। कौन बोल रहा है? विजय। पिछली क्लास में भी टेक्स्ट प्रोग्राम ही भेजा था सर, वो खुल नहीं रहा। पीडीएफ है तुम्हारे उसमें? हेलो, 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 हेलो विजय, हेलो हेलो,